विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर बूंदी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, स्काउट की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत चौगान गेट स्कूल में संगोष्ठी की भी आयोजित हुई, जिसमें बाल श्रम को रोकने और उसके प्रति कड़ा रुख अपनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक जय यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमन गुप्ता और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सीमा पौदार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। इसके साथ ही एक जन जागरूक रैली का भी आयोजन हुआ। बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। बूंदी में भी सभी के सहयोग से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रशासन, पुलिस के सहयोग से इसको जागरूकता रैली निकाली जा रही है। एक स्किट भी करा था, जिसके अंदर बाल श्रम के जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में बताया गया, कानून की जानकारी भी दी गई। और पूरा उम्मीद है कि ऐसे जागरूकता से निश्चित तौर पर बाल श्रम पे से हम मुक्ति पा पाएंगे और बच्चों को एक सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ वातावरण दे पाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों के रैली निकालकर बच्चों के माध्यम से समाज को संदेश दिया जा रहा है कि बाल श्रम से मुक्त देश बनाया जावे, ताकि बच्चों का पूर्ण भौतिक और मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। यही संदेश देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग जागरूक बने और बाल श्रम को बंद करें और बच्चों को शिक्षा की तरफ और टेक्निकल शिक्षा की तरफ मूव करने में उनको